इंशाअल्लाह ताला आप तमाम के भरोसे पर आपके एतमाद का हवाला देकर कह रहा हूं कि नीतीश कुमार ठाकुरगंज हमारा था और हमारा ही विधायक यहां से कामयाब होगा। तुमने धोखा देकर तुमने दौलत के बलबूते पर उस बेईमान को खरीद लिया, मगर सारी दुनिया की दौलत एक तरफ, अख्तरुल ईमान एक तरफ, हम दौलत के बलबूते पर, ताकत के बलबूते पर अपना ईमान बेचने वाले नहीं है। हम गरीबों के दरमियान थे, मजलूमों के दरमियान थे। सीमांचल की जमीन से हमारा सियासी सफर का शुरुआत हुई और सीमांचल के दरमियान में रहेंगे, लड़ेंगे। और नीतीश कुमार तेजस्वी यादव, याद रखो मैंने गलती की कि पिछले विधानसभा में मुझे कम से कम 50 असेंबली सीट पर उम्मीदवार खड़ा करने चाहिए थे। अब ये गलती नहीं करूंगा तेजस्वी नीतीश कुमार। बिहार के कोने कोने में मजलिस का कैंडिडेट खड़ा होगा और 2024 में इंशाअल्लाह ताला सिर्फ किशनगंज पर नहीं लड़ेंगे, बिहार के बहुत से पार्लियामेंट की सीटों पर मजलिस अपना उम्मीदवार को खड़ा करेगी। तुम मुसलमानों की सीमांचल की लीडरशिप को खत्म करना चाहते थे ना, इंशाअल्लाह ताला नीतीश कुमार ख्वाब देख रहे कि मैं वह प्रधानमंत्री बनूंगा। नीतीश कुमार तेजस्वी सुन लो, दिल्ली का रास्ता बहादुरगंज और सीमांचल से होकर जाता है और इस सीमांचल में अगर तुम्हारे सामने और मोदी के सामने कोई खड़ा होगा सीमांचल के इंसाफ के लिए तो उसका नाम अख्तरुल ईमान और असदुद्दीन ओवैसी होगा। नीतीश कुमार कभी मोदी से निकाह कर लेते हैं फिर ट्रिपल तलाक दे देते हैं, फिर तेजस्वी से निकाह कर लेते हैं उनको तलाक 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 कह देते हैं, फिर मोदी जी से निकाह अखदेसानी कर लेते हैं फिर उनको तलाक दे देते हैं, फिर तेजस्वी से वलीमा कर लेते हैं। अब आप बताइए कि किसने पलटू राम कहा था? हमने कहा था, हमने तो नहीं कहा था। तीन तीन मरतबा बीजेपी से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं। हमारा जुर्म सिर्फ इतना है कि हम आपको लीडर बनाना चाहते। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।